हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। आज आप लोगों के लिए एच में राइजन सीरीज के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। और अभी रिसेंटली में ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ है और आप लोगों को तो पता ही है कि राइजन वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करवाता है। अगर आप लोगों का बजट 30 या 31,000 के आसपास अगर आप एक लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है। मैं जिस लैपटॉप की आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वो है एचपी का 15S EY 1002AU। इसी लैपटॉप की करेंगे आज अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी और कंपनी ने क्या इंप्रूव किया है। तो वीडियो को मिस मत कर देना, बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स कंटेंट की मैं बात करूं तो यहाँ अपने को इसका लैपटॉप का बेसिक सेटअप दिया हुआ है। जब भी आप फ्री हो तो आप इसे रीड कर सकते हो। और यहाँ मैं इसके एडाप्टर की मैं बात करूं तो पावर केबल हर बार की तरह अच्छी क्वालिटी की आती है ये। और यहाँ मैं इसके एडाप्टर की बात करूं तो वही 65 वोल्ट का AC पावर एडाप्टर दिया हुआ है, ब्लू पिन के अंदर आता है। और यहाँ जल्दी से लैपटॉप को थर्मल कोल से करते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, ये है लैपटॉप का फर्स्ट लुक। यहाँ सेंटर में ही दी हुई है एचपी की ब्रांडिंग। और कलर की बात करें तो यहाँ नेचुरल सिल्वर कलर दिया हुआ है। लैपटॉप को ओपन करने से पहले कर लेता हूँ मैं इसके पोर्ट्स की बात। तो यहाँ स्टार्टिंग में दिया हुआ है HDMI पोर्ट और एक आपको मिल जाएगा USB 3.1 Type-C। LED इंडिकेटर्स यहाँ दी हुई है। यहाँ से आप ले सकते हो हेडफोन और माइक्रोफोन के लिए कॉम्बो जैक यहाँ दिया हुआ है। और आगे आपको मिल जाता है SD कार्ड रीडर स्लॉट। लैपटॉप के मैं लेफ्ट साइड पोर्ट्स की बात करूं तो यहां दिया हुआ है स्टार्टिंग में चार्जिंग पोर्ट और दो आपको मिल जाएंगे 3.1 USB पोर्ट। और ज़्यादा कुछ है नहीं। लैपटॉप के बैक पैनल की बात कर लेते हैं तो लैपटॉप के मैं बैक पैनल की बात करूं तो दो बड़ी बड़ी रबर ग्रिप दी हुई हैं जो आपके लैपटॉप में एक अच्छी ग्रिप और एक एयर वेंट कूलिंग बनाए रखेंगी। यहाँ बीच में आपको मिल जाता है एयर वेंट और यहाँ सेंटर में दिया हुआ है विंडो 10 का लोगो जो बताता है कि आपके लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो प्री इंस्टॉल आपको मिली है। लैपटॉप को करते हैं ओपन। लैपटॉप में सबसे पहले यहां वेबकैम की बात करें तो HP ट्रिविजन HD कैमरा विद इंटीग्रेटेड ड्यूल एरे के साथ यहां दिया हुआ है। और इसके डिस्प्ले की यहां मैं बात करूं तो 15.6 की फुल HD एंटीग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है। और बेजल्स की यहां बात करूं तो HP के आप अधिकतर जो भी न्यू मॉडल मार्केट में आ रहे हैं उनमें अधिकतर आपको स्लिम बेजल ही प्रोवाइड करवा रही है कंपनी। और यहाँ इस लैपटॉप में आगे की तरफ आपको मिल जाते हैं ड्यूल स्पीकर जो आपको एक अच्छा ऑडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और कीबोर्ड की यहाँ मैं बात करूँ तो कीबोर्ड आपको नेचुरल सिल्वर कलर फुल साइज न्यूमेरिकन की के साथ आपको मिल ही रहा है। और यहाँ नीचे की तरफ व्हाट्सअप सपोर्ट आपको मिल जाता है। जब भी आपके लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सअप पर चैटिंग करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवा सकते हो। और यहाँ दिया हुआ है टचपैड की मैं बात करूँ तो प्रेसिजन टचपैड दिया हुआ है जो मल्टीटास्क सपोर्टेड है ही। और यहाँ इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट, ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। और यहाँ मैं इसमें जो लोगो दिया हुआ है वो है AMD Ryzen 3, प्रोसेसर दिया हुआ है इसमें 3250U और साथ ही में नीचे दिया हुआ है इंटीग्रेटेड AMD Radeon Vega ग्राफिक्स। लैपटॉप को जल्दी से कर लेता हूँ मैं बूट सेटअप और फिर टेस्ट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस। इस लैपटॉप का बूट सेटअप हो चुका है और जो इस लैपटॉप में टाइम लगा है अपने को वो 3 से 4 मिनट का टाइम ही लगा है और वो सभी कमाल SSD का ही था। लैपटॉप की प्रॉपर्टी को पहले कर लेते हैं चेक। ऊपर की ही तरफ सबसे पहले मैं बात करूँ इसके इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज प्री इंस्टॉल आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है। और प्रोसेसर की मैं बात करूं तो AMD Ryzen 3 3250U विथ Radeon Vega के साथ आपको मिल जाता है। क्लॉक स्पीड की मैं बात करूं तो 2.6 की क्लॉक स्पीड दी हुई है। और इसमें मैं मेमोरी की मैं बात करूं तो आपको इसमें 4GB DDR4 RAM दी हुई है, 2400 MHz की आपको मिलेगी। आप इसे अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक है। और इसमें चेक कर लेते हैं SSD कौन सी कंपनी प्रोवाइड करवाई है। इसमें यहाँ अपने को मिलती है SK Hynix की 256GB की NVMe SSD प्रोवाइड करवाई है। और अगर आप इसे अपग्रेड करना चाहो लाइफ में आगे टाइम तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हो। इस लैपटॉप की आपको वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं।
इस लैपटॉप में वेबकैम की क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं, और एचडी वेबकैम दिया हुआ है तो क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए, और टेस्ट कर लेते हैं, क्वालिटी ठीक ही आ रही है। और फ्रेंड्स, जो ये लाइनें आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे, वो पीछे दीवार का रिफ्लेक्ट है, इसी वजह से लाइनें आ रही हैं, और वेबकैम की क्वालिटी मेरे को तो अच्छी ही लगी। इस लैपटॉप में जो मेरे को कमी लगी, वो कीबोर्ड नेचुरल सिल्वर कलर का दिया हुआ है विद न्यूमेरिकन की के साथ, लेकिन मैं जैसे ही बटन प्रेस कर रहा हूँ, एक बटन प्रेस करता हूँ, तो ये सारे ही बटन आसपास के क्लिक होने लग जाते हैं, यानी कि कीबोर्ड की क्वालिटी इतनी प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवाई है कंपनी ने। मैं जैसे कोई भी टाइपिंग कर रहा हूँ, मैं पास में से दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये देखो, यहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वहीं ये देखो कीबोर्ड पूरा ही हिल रहा है, ये क्वालिटी कमज़ोर ही है कीबोर्ड की। तो फ्रेंड्स, ये था लैपटॉप जो अभी मैंने आपको परफॉर्मेंस टेस्ट कराई, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, और इसमें आपको 4GB राइजन 3 का प्रोसेसर दिया हुआ है ही, और जो सबसे मेन था इसमें 256GB की NVMe SSD, उसी का ही कमाल था कि लैपटॉप इतनी फास्ट ऑपरेट हो रहा था। और इस लैपटॉप की अगर मैं वेट की मैं बात करूँ, तो वेट इस लैपटॉप में दिया हुआ है 1.7 kg, लाइट वेट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन फिर भी कम ही वेट देखने को मिला है इस लैपटॉप में। और इस लैपटॉप की मैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी हुई है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको मेटल बॉडी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस प्राइस में मेटल बॉडी कहां कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। इस लैपटॉप में मैं बैटरी बैकअप की मैं बात करूं, तो कंपनी क्लेम कर रही है 7 घंटे का। वैसे मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि 4 से 5 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा, वो भी सफिशियंट है। इस लैपटॉप में जो मेरे को कमी लगी, वो इसके कीबोर्ड में मेरे को कमी लगी, क्योंकि वो मेरे को बल्की टाइप का लगा। और ओवरऑल अगर आप एक कम बजट का लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो, अगर आपका बजट 30 या 31,000 के आसपास है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी सफिशियंट ये लैपटॉप रहेगा। आप इसे होम यूज, बिजनेस यूज में आप इसे यूज कर सकते हो, नॉर्मल गेमिंग भी आप इसमें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ये वाला लैपटॉप आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करवाएगा। आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहते हो, तो आप ये लैपटॉप परचेज कर सकते हो। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।